नमस्कार भैया बहनी, अपना परिचय देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सुपुत्र राहुल गौतम जिला पंचायत सदस्य के नामांकन भरिन हबे। एके पहले राहुल गौतम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हमा। नामांकन भरे के समय श्री गौतम कहिन के लोक कल्याण और जनता के समस्यान का प्राथमिकता से निराकरण करवाओ उनकर प्राथमिकता हुई। अपना का बताए दे कि विधानसभा क्षेत्र के देवतलाओं के वार्ड क्रमांक 27 से वो फॉर्म भरिन हबे। लोक कल्याण का काम और प्राथमिकता के आधार पर हमारे विधानसभा देवतलाव के भीतर पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हमारी योजना थी वो योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं 27 बार से मैंने फार्म भरा। पूर्व मंत्री और सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल रेवांचल ट्रेन से रीवा पहुंचे हमा। अपना का बताए दे कि रीवा के राजनिवास में रुके के बाद वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद गंगा यादव के घरे पहुंच के मुलाकात करीन। इस समय मोहल्ला के लोगन से घलाई मिलीन और उनकर समस्यान का सुनीन। इस समय उनके साथ शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुमारो सिंह रहे। देखिए, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, जो अधिकार मिले हैं रोटेशन में आरक्षण का, पहले तो एक बार कोई सरपंच बनता था, एक ही भले मतदाता हो एक वर्ग, वही हमेशा सरपंच हो या अन्य जनप्रतिनिधि वो सीधे चुने जाते थे। पर ये हमारी पार्टी ने कुछ महात्मा गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए उनके सपने को साकार करने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी, संविधान में व्यवस्था बनाई। कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूल बंद रहे हम, यही कारण मोबाइल से पढ़ाई अब आम बात हो गई है। और यह मोबाइल के पढ़ाई जहां एक तरफ कोरोना में ही स्कूल जाए के विकल्प बनी, तो वह दूसरी तरफ मोबाइल से पढ़ा विद्यार्थियों का कितना हानि पहुंचा सकता है या खबर से अपना अंदाजा लगा ले। असल में सतना के कक्षा 8वीं के छात्र मोबाइल में ऑनलाइन पढ़त करत समय गंभीर तरीका से घायल हो गए। भाईसन के मोबाइल से पढ़ा समय छात्र के मोबाइल में ब्लास्ट भा, जोने में छात्र राम प्रकाश भदौरिया के नाक और मुंह के हिस्सा गंभीर रूप से छत विच्छत होगा। गंभीर हालत में ही उनका सतना जिला अस्पताल ले जावागा, जहां से बाद में उनका जबलपुर का रेफर किएगा हबे। बड़ी खबर हबे रीवा से, जहाँ दुपहिया एजेंसी के मालिक और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज किएगा हबे। जोने में एजेंसी के संचालक और उनके एजेंट के जिनका नाम अब्दुल शफीक हबे, उनकर भूमिका रही। यह बतावा जा रहा है कि उपभोक्ता के गाड़ी का गलत तरीके से इस्तेमाल कराया जा रहा है। जानकारी होने पर दोनों के खिलाफ उपभोक्ता रंजन सोनी जो गल्ला मंडी या महिया के निवासी हैं वो शिकायत दर्ज कराई हबे। वहीं समान थाना पुलिस कोहली सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोहली कॉम्प्लेक्स उर्राहट और एजेंट अब्दुल शफीक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज करी हबे। साथ में यह बतावा जा रहा कि आरोपी एक साल से बिना ट्रांसफर करवाए गाड़ी के इस्तेमाल कर रहे हम, जोने के शिकायत पहलन सिविल लाइन थाना में दर्ज की गई रही है। बुलेटिन के अगली खबर ही वह मैहर के उचेहरा से, जहां कोरवारा में एक भीषण हादसा होगा, जोने में ही 3 बाइक सवारन के मौत हो गए और डीजल टैंकर आग के चपेट में आएगा। अपने को बता दी कि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई ही वह और दमकल के गाड़ी से टैंकर के आग पर काबू पाई लेगा हबे। वहीं पुलिस बताएं कि मैहर उचेहरा रास्ता में कोरवारा के पास सड़क में चलत एक टैंकर बाइक से भिड़ीगा, जोने के बाद टैंकर में आग लग गए। हादसा इतना जबरदस्त रहा कि टैंकर में आग लग गए और तीनों बाइक सवार के मौके पर मौत हो गए। खबर की जानकारी होता है SDOP हिमाली सोनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई है। वहीं दमकल वाहनों बुलाई लेगा हबे। SDM उचेहरा हालत के गंभीरता का देखा तो पहुंच गए हम। वहीं SDOP हिमाली सोनी बताएं कि टैंकर में डीजल भरा रहा हबे, जोने से बाइक में टक्कर के बाद वहाँ आग लग गए। यह हादसा में तीनों बाइक सवारन के मौके पर मौत हो गई हबे। वहीं मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल चुकी हबे। मौके पर मोबाइल फोनों मिले हैं, लेकिन टूटे हुए के कारण मृतकन के पहचान नहीं हो पाई है। ड्राइवर फरार है जेकर तलाश की जाला ही। बुलेटिन के अगली बड़ी खबर ही रायपुर कलछुलियान थाना क्षेत्र से, जहां 3 किशोरन के अपहरण की गई। अपना को बता दें कि तीनों किशोर एक ही घरे के बताए जाला हम। आशंका यह जाहिर की जाला ही कि आरोपी युवकन का बहलाए फुसलाए के अपने साथ लेगा।
घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के लोहादवार बंगला टोला के आए। वहीं पुलिस परिजनन के शिकायत पर अपहरण के मामला दर्ज करी नहीं बे अतिनहू अपहरित किशोरन के उम्र 12 और 13 वर्ष के बीच महापे जिनका नाम प्रिंस शिव और प्रकाश हवे। अपना बता दें कि तिन्हों किशोर अपने घरे से स्कूल खातिर निकले रहे, जब शाम तक वो नहीं लौटे तब परिजनन का जानकारी भाई तिन्हों छात्र अपने मर्जी से घर छोड़कर निकले या केहू के साथ चले गए या फिर केहू के द्वारा उनका अपहरण की गया है या अब तक स्पष्ट नहीं हो पावा। वहाँ पुलिस परिजनन के शिकायत पर किशोरन के तलाश खातिर नाकेबंदी करी नहीं। देखी रिवा के तमाम खबर अब बघेली। नमस्कार।